Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm Sukriti and this is my channel Trendster Bay. तो आज के इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक मेकअप लुक जो कि है मेकअप नो मेकअप लुक। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो मेकअप लुक आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो बिगिनर्स फ्रेंडली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है अपनी स्किन को प्रेप करना। उसके लिए आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। देन मैं अपने फेस पे आइस क्यूब अप्लाई कर रही हूँ। ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है, एंड जिनके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं वो मेकअप से पहले ये स्टेप स्किप ना करें। नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमिंग योर फेस, एंड यहाँ पे मैं कोई ब्रांड का प्राइमर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपना होममेड प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट करता है, आपका बेस बहुत नेचुरल सा लगता है। नेक्स्ट स्टेप मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस स्टेप को भी आप बिल्कुल स्किप ना करें। एंड जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो इन समर्स में एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ नायका का लिप बाम, ये है ग्रेप फ्लेवर में, एंड ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड देन मैं अप्लाई करूँगी करेक्टर। मेरे पास अभी कोई करेक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस ऑरेंज लिपस्टिक को एज अ करेक्टर यूज़ करूँगी। इसको आपको अपने डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई करना है, लाइक योर डार्क सर्कल्स, अगर आपके फेस पे एक्ने स्पॉट्स हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको अपने फिंगर की हेल्प से डैप करना है, इसको आपको बहुत अच्छे से अब मर्ज करना है ताकि ये आपके कंसीलर में मिक्स होकर ऑरेंज कलर ना दे। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कंसीलर। मैं यहाँ पे कोई बीबी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आपको इसको अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एंड आपको इसको अपने नेक पे अप्लाई करना नहीं भूलना है, इससे आपके फेस और नेक दोनों इवन लगेंगे। अब कंसीलर को सेट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लूज पाउडर। अगेन ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये मैंने घर पे बनाया है। एंड अब आईब्रो को शेप देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल। फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी न्यूड आई शेडो पैलेट, एंड इसमें से मैं ये न्यूट्रल शेड ले रही हूँ सीक्रेट, एंड इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। मैं आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड इस पैलेट का रिव्यू भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। अब स्पॉन्ज की हेल्प से आपने जो लूज पाउडर लगाया था उसे क्लीन कर लेना है। एंड देन मैं अप्लाई करूंगी ये मेबेलिन का मस्कारा, ये वाटरप्रूफ है एंड ये आपकी लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करता है।
अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मार्स की मैट लिपस्टिक, इसका शेड है 02। इसको आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, इसको बिल्कुल लाइट से अप्लाई करना है क्योंकि आपको बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए। एंड देन फिंगर की हेल्प से मैं इसे डैब करके ब्लेंड कर लूँगी। डेली बेसिस पर हम इतना हैवी मेकअप करना प्रेफर नहीं करते हैं, तो हम इस लुक को एज अ एवरीडे मेकअप लुक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा मेकअप नो मेकअप लुक इजी लगा होगा एंड अच्छा भी लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।